बिखम मार के चलना साहब दी बाणी एक सच्चा इतिहास सिरज के साडे सामने रख दिंदी है। इतिहासकार होर भी बड़े ने, इतिहास लिखदे ने ते लिखने भी चाहिए ने। जरूरी है पिछोकड़ नूं पैड़ नूं संभालना, पर अक्सर इतिहास लिखण वालियां कलमां जिहड़ियां सदियां बाद लिखदियां ने उन्हां विच कुछ कुछ अंतर हो जांदा है, परेशानी हुंदी है। पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी रचना तो सिरजिया होया इतिहास, उहदे विच राई भर मनोकल्पत कोई गल नहीं हुंदी। इसलिए मैं तो अपनी जबान कोशिश करना कि जे किसी इतिहास की भी सांझ पैदा करा तो वह इतिहास गुरबाणी विच्चों सिरजे होवे। इसलिए
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਖਮ ਮਾਰਗ ਔਖੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਗੇ ਮਿੱਠਾ ਸਭ ਮੰਗੇ। ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਖੇ ਪੰਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚ ਔਖਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਔਖੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਔਖੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਏ ਲੱਭ ਲੋਭ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਏ ਠੇਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਖਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਨਾ, ਬਿਖਮ ਰਾਹ ਚੱਲ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ
भगता जुग 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 निराली कहे नानक चालू भगता जुग जुग निराली बिखम मार्ग चलना बिखम मार्ग चलना चल निराली भगत चलना बिखम मार्ग चलना चला निराली भगतां केरे बिखम मार चलना जहां पंथ तेरा को नाश जानो जहां पंथ तेरा को नाश जानो बिखम मार्ग चलना फरीदा गलिए चिक्कड़ बिखम मार्ग फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर घर बिखम मार्ग दूर घर चला तो भिजे कंबले चला तो भिजे कंबले रात तुपे बिखम मार भिजो सिजो से में हो जाए मिला बिखम मार्ग जाए मिला चक्खड़ झांगी मी बरसे जाए मिला चक्खड़ झांगी मी बरसे समुंद सागर होवे बोखारा बिखम मार
समुंद सागर होवे बोखारा गुर सिख लंग बिकम मार्ग गुर सिख लंग ख्याल करियो सानू आज बिखम मार्ग समझन दी लोड प्रतीत हो रही कुछ जबानों नहीं आखांगा गुरबाणी ते बीते विचों आखांगा ए बिखम मार्ग पैदा किवें हुंदा है गुरबाणी में बिखम मार्ग दी औखे रस्ते दी गल कीती है जिस रस्तियां ते कंडे खिल रहे होन जिन्ना राहां विच ठेडे होन उस बिखम मार्ग दी गल करदियां सानू समझाण दी लोड़ नहीं भी बिखम मार्ग आखर पैदा किवें हुंदा है ख्याल करियो ये बिखम मार्ग कोई आज ही पैदा नहीं होया ये बिखम मार्ग जिंदे चो लंगे ने पावे भाई करतार सिंह जी चो भर जहां होर योद्धे एक केवल उथो ही नहीं पैदा होया सानू बिखम मार्ग दा पछोकड़ पछाणना पाएगा ताकि वाले समय अंदर भी इसी चेतन हो जाएंगे जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर बहीरों का तो लोग मगर तोड़ पर सोफा रस्ता है एक ख्याल करे हो जीवन एक सफर है जीवन मुसाफरी सफर आखिया गया है पर सफर करने वालों ने दो चीजां दा ज्ञान होना समझना जरूरी है एक मंजिल दूजा मार्ग मैं जाना किथे है मेरी मंजिल की है कईयां नूं तां मंजिल दा ही नहीं पता हुंदा बेमंजिल ही तुरे जांदे ने थक जांदे ने एक मंजिल का पता होवे दूजा मार्ग का पता होवे उस मंजिल ते जाण वाले कई रस्ते हो सकते ने सब तो सुखैन केड़ा है औखा केड़ा है फिर फैसला करे कि मैं बिखम मार्ग चलना है कि सौखे मार्ग चलना है ते जदों बिखम मार्ग की चोण करेगा ना उत्थों की हालत आ होवेगी बाबा कबीर ने आखी है जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर एक अवघट घाटी राम के औखा रस्ता देखो मार्ग उसे कबीर कहता मैं इकल्ला ही रह गया ये तो गुरु की बख्शिश है ना जिन्हां दी याद विच बैठे हो ये कल्ले नहीं रहे साडे विच काफला बनता है थोड़ा बनता है औखे रस्तां ते चलन वाला काफला हमेशा छोटा हुंदा है जिहड़े भेडां बन के वड्डे वड्डे काफले बने बैठे ना वो औखे रस्ते नहीं सौखे रस्ते दे मार पांदी ने औखे रस्तियां दे पांदी थोड़े हुंदे ने पर चलो थोड़े होन होन ते सही इकल्ला तो ना रह जाए कबीर ने तो मायूसी कहन लगा एक अवघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर इकल्ला कबीर एक ख्याल करियो गुरु नानक ने भी जदों अपना सफर शुरू किया ना गुरु नानक नाल किन्ने क लोग सन
ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੜਾਹੀਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਲੋ ਉਹ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬਾਬਰ ਲੋ ਰੁਕਿਓ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬਾਬਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਧਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਹਰ ਬਚਨ ਇਲਾਹੀ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਬਾਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇਲਾ ਲਓ ਜੋਰੀ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਦਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੜਾਂ ਦਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਗਲਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖਲੋਏ ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਲਾ ਲੋ ਕਾਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਤ ਪਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ
अन्याय ये पाप मनुखता नूं धर्म दे रस्से नाल बन के गुलामी दे जीवन विच पाउण वाला ये सारा काम किंदी पुश्त पनाई थले कर रहे हैं तेरे मगर कौन खड़ा है। बाबा कबीर जी ने लफ्ज़ वरते कहन लगे तू ब्राह्मण मैं काशी का जुल्हा बाणी बिच सब कुछ देख रहे कहने लगे तू बामन मैं काशी का जुल्हा बुझो मोर ज्ञाना मेरी गल समझ मैं तेन समझ ले कि तू की है। कहने लगे फर्क है कि तुम तो जाचे भूपत राजे तो राजे दा गुलाम है राजे दा मंगता है तेरा राजे नाल नहीं हुआ है तेरा राजे नाल रिश्ता राजे को शक्ति होन करके पाप है तू धर्म दे सिद्धांत दे पैरे ते बैठा है एक मेल की होया राजनीति ते धर्म दा मेल की होया मैं हैरान होया एक बार सुबह बाणी विचों भी विचारन दा ओए हैरान होया कि केडी अजीब गल है हिंदू ब्राह्मण तां भला कबीर नूं मारना चाहुंदा सी मन लो क्योंकि उत्ती करोड़ देवते ते जिन्हों मर्जी भगवान बनाते आपस में इन्हों का सांड गांड किस तरह रिश्ता जुड़िया इन्हें राजियों को आख्या मैं तुहानू भगवान बनाना तुसी मैनू गुरु बनाओ तो आप अज भी चलता पे अज भी साढ़े सामने मैं तेनू पंथ बनाना तू मैनू आ बना उदो भी यह सी कि मैं तुहानू भगवान बनाना तुसी मैनू गुरु बनाओ ऐ ब्राह्मण थी राजनीतिक का फैसला होया होया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब विचों हर गल जी सतगुरु कहते जुगे जुगे के राजे की ये गावें कर अवतारी ये जेडे जुगा जुगा समय समय नाल राजे बने ना इन्हों अवतार बना दिता ब्राह्मण ने लोग अवतारी समझ के अवतार ने उन्होंने पूजा कर लग पाए दस अवतारी राम राजा आया सब कुछ श्री गुरु ग्रंथ साहब विच है उन्हें इन अवतार बनाता इन्हें उन्होंने गुरु बना दिता भावें तू जो मर्जी धर्म के सिद्धांत अंदर भावें लोगों दी बच्चियों देवदासियां बनाई जा असीं तैनु बिल्कुल नहीं रोकांगे आखांगे इंदा क्या होया इलाही हुकम है और तुसी हैरान होगे सदियां बीत गईयां ने अज भी देवदासी प्रथा खत्म नहीं कर सकती सरकार क्योंकि ब्राह्मण दे हथ च उन्हूं लोड़ है सदियां बीतन तो बाद भी अजे तक देवदासी प्रथा अजे तक सती प्रथा इन बिन जैसी कही खत्म हो गई है हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं क्योंकि मगर ब्राह्मण खड़ा है इन्हों का आपस में समझौता है तुहानू असी दे रब आखांगे तुसी सानू गुरु आखो अच्छा इत्थे बस नहीं मैं हैरान होया भला इनका तो 33 करोड़ देवते का मसला सी ये दोनों तो नहीं ना एक हिंदू तो मुसलमान दोवां का कोई आपसी रिश्ता तो नहीं धर्म कोई इन्हां दे विचारधारा नहीं मिलती पर केड़ी अजीब गल है हिंदू भी कबीर नूं मारना चाहता मुसलमान भी मारना चाहता हैरान होया हिंदू ब्राह्मण उन्हूं गंगा विच सुट रहे है गंग गुसाइन गैर गंभीर जंजीर बांध कर खरे कबीर हिंदू ब्राह्मण उन्हूं गंगा विच रोड़ के खत्म कर देना चाहता है ते मुसलमान काजी उन्हूं हाथी अगे सुट के खत्म कर देना चाहता है दोनों ही दुश्मन आपस में मेल कोई नहीं सानू सोचना पै गुरबाणी मनुख दे सामने एक बड़ी वड्डी फिलासफी खोल दी एक मुसलमान है एक हिंदू है एक 33 करोड़ देवते रब मनता है एक कहता मेरा मुसलमान का एक खुदा है मेरा एक खुदा है
आपस में फिर मेल ना हो फिर जेड़ा कबीर ये गल कहता सी हों तो ए, बाबा नामदेव हों तो ये करमैया लै हों जेड़ा कबीर ये कहता सी मेरा एको रब है हमारे एक है हरी हरी वो तो ना मारता उन्हें भी मारी उन्हें काजी ने चुक के हाथी अगे सुट दिता दोनों क्यों कारण मैं देखना बिखड़े बिखड़े मार्ग का कारण है क्योंकि बाबा कबीर वक्त की राजनीतिक शक्ति का धर्म शक्ति का आपसी समझौता उगेड़ना चाहते सन जिहड़ा उहदे कोल बर्दाश्त नहीं सी जे कबीर ने ब्राह्मण नूं इह गल आखी ना कि तुम तो जाके भूपत राजे ते इह गल नहीं ब्राह्मण नूं नहीं आखी इह गल उहने काजी नूं भी आखी बराबर इको जे लफज उथे कहंदे ने तू ब्राह्मण मैं कांशी का जुलहा बूझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे तू राजियां दा गुलाम है उन्हां उन्हां दा मंगता है ते इधर दूजे पासे काजी नूं की कहंदे ने कहंदे ने हम मस्कीन खुदाई बंदे मैं तो गरीब खुदा दा बंदा बस उसे दमकता उन्दे नाल ही मेरा रिश्ता है हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राजसु मन भावे देखो दो नाल गल मिल गई ओही गल ब्राह्मण नु आखी ओही गल काजी नु तू राजा नाल मिल गया है तू राजनीति का नजाया फायदा उठा के अपनी पुष्पनाई चढ़ पाप कर रहे हैं ब्राह्मण नु भी यह गल आखती ते अज की है अज भी राजनीतिकां दी पॉकेट विचों राजनीतिकां दे लिफाफे विचों धर्म ही निकलते ने निकलते गल तो उत्थे ही आ गई ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਥੱਲੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਲਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜਿੰਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਵਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ ਹੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਕੀ ਮਾਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਲੋੜ ਪਈ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਗਾੜ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਗਾੜ ਲਹਿਰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਹੰਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਢੰਗ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਕਤਲ ਹੋਏ
निर्दोष मारे गए, दुनिया अंदर राजनीतिक लोग ऐसा करते हैं, पर सरदार करतार सिंह चब्बर का संघर्ष दूजे दिन तो शुरू होया जिस दिन धर्मी ने उन्होंने सिरों पा दिता, जिस दिन अकाल तख्त के जथेदार अखवान वाले ने अडवायर जनरल अडवायर सिरपा दत्ता ना हैरान हो गए है? सरकार की पुष्प नहीं, आज देखना यह है कि दुखांत बदलिया कितना बिखरे दबाओ व्यक्ति उस दिन अखा खुल गई, असलियत सामने आ गई कि जो कुछ हो रहा है इनके पिछे सरकार खड़ी है, जिन्हें इन्हें कतल करने तो बाद उन्हें सिरोपाओ दिता जाता है वही गल भी तू भगवान तो मैं गुरु चाहता सी, जिस दिन सिरोपाओ दिता उस दिन तो इन्हों का प्रोग्राम सरदार करतार सिंह झब्बर का बदल गया, नहीं हूँ तो सरकार नाल भी टक्कर लेनी पेगी, उनका नतीजा यह निकलिया कि सरकार खुल के ननकाना साहब के उस शहीदी वेले सामने आना पाया, महंत दी महंत नरेणू की पिट से 150-200 सिंह शहीद होया, और वो कतल केस केडी अजीब गल है, और संघर्ष में कलैश कलैश करने जिहड़ा केस बनिया वह करतार सिंह झब्बर के खिलाफ बनिया जिहड़ा 1937 तक चलिया, अंडमान जेल में भी भेजा गया, विखमारक आ गया ना, विखमारक दरा खुल गया जिस दिन पछाण लिया कि सियासत ते धर्म की है, धर्मी ब्राह्मण ते बाबर किवें मिल गए ने, जिस दिन ये पछाण विच आ गया कि सरकार की पुष्ट पनाई थले ही ये सब कुछ हो रहा है, उस दिन विखम मार्ग शुरू हो गया, जिन्हिया औकड़ा आईया इन्हों के जीवन विच उस तो बाद ज्यादा आई, इतिहास पढ़ के वेख लो इत्थे बस नहीं, जो मेरे सामने आते हैं गुरबाणी दी लाइन तो मैं हैरान के सब कुछ होने के बावजूद आज दे जमाने अंदर फिर ओही आवाज उठ रही है गुरुद्वारे आजाद कराओ, सदियां बीत गई, सदी के आस पास बीत गया, ओ मैं उस इतिहास में उस पासे ना जावा कि 1920 तो जदों अपने सरदार करतार सिंह जी अपने वालों शांत चित हो के हालात बदलन के घर बैठ गए ने, उस तो बाद साड़ी अधोगति किवें हुई, क्यों हुई, क्योंकि लावारस हो गए, जा हुणे वीर कह रहे सन कि जिन्हां लोगों ने समझिया नहीं वो साढ़े आगू बन के बह गए, जा जेड़े समझ के साजिश अधीन उन्होंने नाल सन वो साढ़े आगू बन के बैठ गए, वो गुरद्वारा सुधार लहर जिहड़ी बिगाड़ लहर तो बाद शुरू हुई सी वो फिर उभरनी शुरू हो गई, अज की है मैं इत्थे रुकना चाहना, मैं तेनू पंथ बनाउना, जिन्हें मर्जी गुना कर ले तेरे ते कोई अर्थ नहीं आएगा, ये कोई कुछ हो रहा है, और मैं हैरान होया कल ही जो मैं इंटरव्यू दे रहा सा उनके विच सिख रहत मर्यादा के मसले थे, तो उत्थे मैं एक लफ्ज कह सर मैं क्या श्री गुरु ग्रंथ साहब के सिख अखवान वाला कोई मनुख इन्हों पंथ आख सकता, श्री गुरु ग्रंथ साहब के उच्च 64 बार पंथ शब्द आया है, 64 बार मैनू एक बार साबित कर दियो 64 बार विचों के पंथ का अर्थ कोई मनुखा का इकट्ठ हो गए दसो, अच्छा तो श्री गुरु ग्रंथ साहब को पूछना है ना, मैं हैरान होया सतगुरु ने बाणी अंदर एक लफज कहे कहन लगे जे तू इस विखम मार्ग ते चलना है तो गुरु को किवें पुछ लै किवें चलना है,
गुरबाणी गुरु कहते हैं जो गुर दसे वाट वाट मार्ग जो गुर दसे वाट मुरीदा जोली है जोली दा मतलब चलना जुलना हे मुरीद हे सिख जे तू बिखम मार्ग ते चलना चाहना है ते गुरु को पुछ पुछ ले है उन्हों उस बिखम मार्ग दा पता है सोचिए तजुर्बा है जो गुर दसे वाट मुरीदा जोली है ते पता नहीं गुरु की आखेगा बनी बीच गुरु आखेगा तेनु पता होए आ मेरे पीछे आऊंगा तो आ पर एक गल याद रखी वाट हमारी खरी उड़ीनी वाट हमारी खरी उड़ीनी खन्यो तिखी जिन्हें सिख ने तुरना आओ भाई गुरदास जी ने सिख ले भी यह वर्ते ने गुरसिखी बारीक है गुरसिखी बारीक है खंडे तार गली अत भीड़ी खंडे धार गली अत भीड़ी ओथे टिके न पुनः ना चल न सके ऊपर कीड़ी वाट हमारी खड़ी उड़ीनी तुरना चाहना पुछ उस वाट विच आनंदपुर नू छड़ना ते सरसा तक पहुंचना किवें पहुंचना है गुरु को पुछ सरसा तो पार हो के चमकौर किवें पहुंचना है चमकौर तो सरहंद किवें पहुंचना है सरहंद तो माछीवाड़े दे जंगलों विचों किवें लंघना है वाट ते गुरु को पुछनी पाएगी जो गुर दसे वाट मुरीदा जोड़िए वाट तो समझ नहीं पाएगी ना कि गुरु का जीवन साढ़े लिए वाट है तो गुरु ने एक ख्याल दिता जिथे रुकना चाहना कहने लगे मैं देखता कि जदों जदों भी धर्म के ठेकेदार धर्म की अगवाई कर धर्म रस्सा बना लिया गया बाबा कबीर जी ने कोई कसर नहीं छड़ी कि ब्राह्मण नु मुखातिब करके आख्या तू जिन्नू धर्म बनाई बैठा है मैं कहना सब तो वड्डा संग्रह ही साडे लई सानू मारन लई सानू कैद करन लई इहो है कहन लगे वेद की पुत्री सिमरत भाई वेद की पुत्री सिमरत भाई सांकल जेवरी ले है आए तो मेरे लिए रस्से पैड़ी बनता रह गया ओ पलियो आज भी गुरुद्वारा बिगाड़ लहर पुज गई ते बिल्कुल सानू गुलाम ते बनन ले जे तू आ हुक्म ना मन्या छेक्यो यह हुक्म न मन्या कीर्तन नहीं कर सकता है कथा नहीं कर सकता है बोल नहीं सकता है ते वो हजारा गुना कर ले ये पंथ है मैं हमने अर्ज की थी कल दिए जे इंटरव्यू है मैं क्या मैंने चौथ वारी बच्चों एक वारी दिखा दियो मैं सिर चुकाऊंगा जिससे ये साबित हो जाए कि पंथ दा अर्थ श्री गुरु ग्रंथ साहब किसे मनुखा दे इकट्ठ नु मन दे नहीं गुरु कहंदा नहीं पंथ दा अर्थ रस्ता है रस्ता सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब चौथ वारी बच्च पढ़ के वेख लियो रस्ता है
पंथ निहारे काम ने लोचन भरी ले मंदिर चढ़ के पंथ निहारो नैन नीर भरा चौथ वारी विच इस तरह ते मैं क्या एक केडी साढ़े नाल धोखे वाली गल है कि सिख रहत मर्यादा विच बकायदा साजिश नाल ताकि इन्हों गुलाम किवें करना है इन्हों हत्था किवें करना है उत्थे एक लफज लिखे हुए ने कुछ तैयार बार तैयार सिंघां दे समूह का नाम गुरु पंथ है पढ़ के देख लो पंथ भी नहीं गुरु पंथ है और जिवें ब्राह्मण गुरु है जगत का उत्थे आख्या सी ना ब्राह्मण गुरु है जगत का उत्थे आख्या सी ना सिखां कण चढ़ाईआं गुर ब्राह्मण थी आ ते इत्थे कहता गुरु पंथ फर्क की है ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਖੜਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਦ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਸਨ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਭਗਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਵਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵਿਲਕ ਕੇ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਵੇਂ ਘਰ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਪਰ
सब कुछ एक पासे तर के मैनू कहना पैंदा है। कुछ दिन ही बीते, मैं नाम लैण तों संकोच नहीं करता, सुभा बनिया होया अपने आनंदपुर साहब तों जिते हुए ने, पहला कदी मिशनरी सन, हुण अजकल पंथ विच शामिल ने, वह भी सुरिंदर सिंह जी, उन्होंने पिछले दिनों विच मैं हैरान होया एक बयान दिता, वीडियो टेप बनी हुई है, तुसीं अज भी यूट्यूब ते देख सकते हो। मेरा दिल कंब गया ये लफज वरते उत्ते उन्होंने कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जरा इन संबंध में तो सिख रहत मर्यादा के संबंध कहते ये ग्रंथ की बाणी है, गुरु ग्रंथ की बाणी है, तो वह गुरु पंथ की बाणी है, बस साढ़े वास्ते बराबर है। सिख रहत मर्यादा के संबंध में ये लफज वरते कि वह गुरु ग्रंथ साहब के बराबर है, और लफज वरते ये गुरु ग्रंथ की बाणी है, गुरु पंथ की बाणी है, तो गुरु पंथ की बाणी जो कुछ है दास ने तो रात विचार की है। अगे भी मैं सारे मुखातब करके गल कहना, जिथे किसी शक हो ना दास हाजिर है, सानू पता जरूर हो गुरु पंथ की बाणी की है, ताकि सानू गुरु पंथ की बाणी तो यह पता लग जाए गुरु पंथ कहड़ा है, नहीं तो ऐसा ना हो। सदियों तो संघर्ष कर कर अपनी लाइफ के बिखड़े दाऊ बिखड़े मार्ग से चलद चलद कंडेलियां दी कंडियां दी धरती से चलद चलद लहू लुहान होए होए पैरां दे असी केवल दिन मनाते रह जाइए, पर मंजिल सानू कोई ना मिले, ऐसा ना हो। इसलिए संभालो अपने इतिहास को, और इतिहास वो जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे बाणी दे बचना नाल मेल खांदा होवे, सानू पता होवे गुरु सानू पंथ केड़ा दस रहा है, गुरु सानू बिखड़ा मार्ग की दस रहा है, गुरु सानू इस गुरद्वारा सुधार लहर दी लोड़ दे संबंध विच जागृति दे के की समझा रहा है कि दुनिया अंदर जे गुरद्वारा विगाड़ लहर पैदा हुई है तो उदों ही हुई है जदों वक्त दी राजनीति दे गुलाम होया धर्म, जदों जदों भी धर्म वक्त दी राजनीति दा गुलाम होएगा, भावें सदियां पहलों होया ते भावें अज महसूस करने हैं, एक उन्नी देर गुरुद्वारा सुधार लहर सकारत मत ना होवे ते साड़ी आवाज़ ही बनी रह जाए। अज भी असी ओहो गल कहने हैं, गुरुद्वारा सुधार लहर होवे, गुरुद्वारे आज़ाद होण, जिथों तुसीं हैरान मैं केड़ी केड़ी गल तुहाडे नाल सांझी करां कि इन जरूर पंथ आखते हो उन्दे विचार की ने, पाकिस्तान गौरमेंट ने जदे जाते सन उतों माया लै आते सन, उतों की सफाई भी नहीं सी होती, उन्होंने आख्या भी इतने भी तो सिख रहते हैं, पी जी पी सी बनाती पाकिस्तान गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, उतों के सिखा की कमेटी बनाती, और मैं हैरान होया इन्हें दूजे दिन बाइकाट कर दिता, और सिखा यह गल कह लग पे जेडे आप 60-70 साल तो आख रहे सन ननकाना साहब के हो पंजा साहब के इन स्थानों के खुले दर्शन के दार बख्शो, आप कहते सन अजे तक कही जाते उन्होंने दिन अंदर कढ़ा के देख लो पेपर, उत्थे इन्होंने ऐलान कर दिता जी थोड़ी आवाज में ऐलान कर दिता कि अज तो कोई सिख ननकाना साहब दर्शन कर ना जाए, ये लफ्ज कहते पंथ जो अपने आप को गुरु पंथ अखवाण वाले तो 60 साल तो अरदास करन वाले, जो इन्होंने उतो मैं हैरान होया, मैं इन्होंने लिखिया चिट्ठी च लिखिया, मैं क्या भले तुहाडे कोल उन्होंने गुरुद्वारे तो नहीं खोए गोलक खोए, इन्हें मतलब तुम हूँ तक गोलक न ही गुरु मनते हो, नहीं तो वह जिन्हें गुरुद्वारों की दर्शन देदार लिए तुम रोज अरदासा करते सौ, अज मेरा आप नहीं तुम सिखा ये गल कह रहे हो कि असी जत्था नहीं भेजा कि तुम कोई भी सिख ननकाना साहब के दर्शन कर ना जाए, सानू इतों पता लगना चाहिए कि राजनीति के अधीन विगाड़ लहर किवें पैदा होती है,
जे तुसी गुरुद्वारे आजाद कराउणा अज भी जे मन विच है भी आजाद कराउणा है भावें अकाल तख्त है भावें दरबार साहब है भावें होर अस्थान ने अज भी जे तुसी महसूस करदे हो कि देखो जी सानू गुरुद्वारा लहर चलानी चाहीदी है ते सानू गुरुद्वारे आजाद हो जाण आजादी चाहीदी तां इस गल नूं पहला समझना पएगा कि बर्बादी है कि ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਥ ਬਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੁਕ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬਾਪ ਪਰੂਫ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਗਾੜ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਗਾੜ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚੁੱਭੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚੁੱਭੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਖਮ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ
जो छिपन सर क्योंकि असी बोलन से भी ज्यादा जोर दिता असी हर रोज फेसबुक आए दिन मन मर्जी के बयान दे जाने कर्म करके प्रैक्टिकल कुछ भी करने तैयार नहीं उत्थे तो सानू लभ लो अहंकार ही नहीं छड़दा लभ जिन्ना राह में ठेडे होंगे ने ना ओहो ही राह कदम मजबूत करते हैं कभी आम जीवन चो हर ठेडा पहले नालों तो चौकस करता है कदम मजबूत करता है अगले ठेडे सहन की शक्ति बनाता है इसलिए गुरु बार बार आखदा है सौखे राही ना ढूंढते फिरो को तो पंडित ही बड़ा ढूंढ रहे ने जन मार्ग पंडित गए पाछे पूरी वही नहीं इस अवघट घाटी ते तुरना है जिथे ठेडे भी होन आनंदपुर वाले ठेडे होन सरसा नदी वाले ठेडे होन सरजादियां दी शहीदी वाले ठेडे होन पर कदम डगमगाना एने मजबूत हो जाने क्योंकि गुरु का एक मैसेज साढ़े नाल होवे वो ये कि वाट हमारी खरी उड़ीनी खन्यो तिखी बहुत बहीनी उस ऊपर है मार्ग मेरा मेरा तो रास्ता वो है मेरा तो इतिहास वो है मेरा तो गुरु मनोवा सिखा रहा है अगहा को उतरा गए पिछा फिर ना मुड़ना किसी ठोडे ठेडे नुजन तो बाद पिछा ना मुड़ जाइए अगहा कुतरेंगे पिछा फिर ना मुड़ना ये गुरु का मैसेज है जेड़ा सानू इस बिखम मार्ग ते चलन की जरूरत ते मजबूती दिंदा है ताकि असी अपने आने वाले मैं पिछली तो गल नहीं आने वाले उस एम निशाने पूरा कर सकीए कि साढ़े गुरुद्वारे स्थान साढ़ा गुरु सिद्धांत आजाद होवे अपनी दख अपनी पहुँच संसार दे सामने चमक के रख सके इन्हां शब्दां नाल खिमां दा जाचे खां फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु बोले सोनेहा।